राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो मैंने इतने दिनों से कोई व्लॉग नहीं किया, ठीक है। मैं सोच तो रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग करूँगी, बाकी चीज़ें करूँगी, बट इतनी ज़्यादा हौचपौच हो रही थी ना कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाया कि मैं व्लॉग भी कर सकूँ। बट फिर भी आज हमारा वेडिंग डे है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अभी दिन में 1 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ पर रेडी होने के लिए, सो दैट कि मैं अच्छे से रेडी हो जाऊँ। और खूब, मतलब मुझे आज बिलीव नहीं हो रहा है कि हम दोनों का इतने सालों का सपना वो आज पूरा होने वाला है, और मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा। और सब मुझे बोल रहे हैं कि क्या ही बताऊँ मैं आपको, ब्राइड वाली फीलिंग नहीं आ रही है मुझे, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ भाई कि हमारी फाइनली आज शादी होने वाली है। तो अभी फटाक से मैं एकदम से बहुत अच्छी तरीके से रेडी होती हूँ, और आप लोग बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ, ठीक है, कमेंट पे। और अभी जितना जितनी चीज़ें हो पाएंगी मैं व्लॉग करने की कोशिश करूँगी। और अभी यहाँ पे क्या क्या डेकोरेशंस हो रही हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको। और यहाँ पे मैं अपना वेडिंग लहंगा खुद ही जो है वेन्यू में लेके जा रही हूँ। अभी ये सब चीज़ें जो है डेकोरेट होंगी और खूब मस्त बनेंगी। फ्रेंड्स यहाँ पे रेडी हो रहा है अभी, ठीक है, और बाकी ये हमारा वेन्यू है। इधर साइड सेल्फी बूथ बनेगा एक, ये सिटिंग एरिया हो गया, ये सारे सिटिंग एरियाज हैं, यहाँ पे सारी केटरिंग होने वाली है। जैसी जैसी चीज़ें मैंने सोची है ना वो सब अच्छे से हो जाएं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। 2 सेल्फी पॉइंट्स बन रहे हैं, एक वहाँ पे और एक वहाँ पे। बाकी मंडप भी अभी रेडी हो रहा है मेरा। अरे तो अभी फाइनल जो डेकोरेशन चल रहा है वो यहाँ से मेरी एंट्री होगी, यहाँ से फिर ऐसे करके वहाँ पे लगेगा स्टेज, और ये बनेगा हमारा मंडप। अरे कोई नहीं, सब हो जाएगा, डोंट वरी, परेशान मत हो, ठीक है। अच्छा, बट फिर उन्होंने बोला कि वो धुआं जाएगा, सब खराब हो जाएगा, फिर काला काला पूरे 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारी चल रही है शाम की तैयारियाँ, यहाँ पे सारे बिछेंगे गद्दे वगैरह ताकि लोग कंफर्टेबली सो जाएं। बाहर शादियों के जिसको सोना है वो अंदर भी सो सकता है आराम से। और ये रहा हमारा रूम जहाँ पे मेरी बहन मुझसे पहले तैयार हो रही है, और यहाँ पे मेरे लिए सारा पूरा मेकअप जो है फैला के रख दिया दीदी ने अच्छे से। सब लगाते छोटे छोटे करके ओवर हो जाएंगे बाबू, रजवाड़ा है वो, तो मैं समझ रहा हूँ, पर ये काले काले ना दिखे ना भाई साहब। गाइड करने के लिए देखो कौन आए हैं हमारे साथ, सुन दो, सुनाओ। मैं कहाँ पे था, मैं भूल गया। एंड अभी यहाँ पे मेरा स्ट्रगल चल रहा है कि मैं किसी तरह लहंगे में फिट आ जाऊं। तो यहाँ पे फाइनली मैं किसी तरह लहंगे में जो है फिट आ गई हूँ, और दीने यहाँ पे मेरा लहंगा बांधने में हेल्प करी है। और मेरा भाई इतना ज्यादा क्यूट लग रहा था कि मैंने उसको नजर का टीका ही लगा दिया कि उसको किसी की नजर ना लग जाए।
बाहर पे बारात आ चुकी है और मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैं तो अंदर बैठ के जो है स्नैक्स खा रही थी। हम लोग खड़े हो रहे हैं ना, पीछे वालों का व्यू ब्लॉक हो रहा है, तो इनको बैठा लोगे भाई? तो सबको नहीं संभाल सकता, सबको नहीं संभाल सकता यार। इसको देखने का मन है, वो खड़ा हो जाएगा। और क्या हो गया।
भैया नान ले आओ यार, साफ कर दे मैंने। आप कर लो ना यार एक बार। अरे ये काम बहुत अच्छी है, कलेक्शन ही बहुत है। यहां पे मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। इसके बाल पीछे कर दो यार, ये सब काजल भी अपने हाथ नीचे करे। ये रिंग हाँ काट के तो दिखा दो रिंग, रुक जाओ संजी से कवर हटा दे पहले।
अचल ग्रंथ पकड़ बाबू इसको पकड़ इस आए इधर बैठो बोलना है बैठो बोलना है बैठा बैठो अच्छा हो गया मालिश करनी है पकड़ा दे यही है भाई पैर में तो नहीं लगा पहले था पत्ती लग लगा अब में क्या होता है वो नहीं होते चीड़ के चौल है आसमान के उच्च है शाव के उच्च हो शिव के तराल हो शाव फिर एक बार अब आवाज आ रही है अब तेज आवाज आने लगी बुद्धि हो शिव का तराण हो धरती बराबर चौल है गुण है मतलब अभी वो हो जाता है कि अब से आज तुम्हारा तुम्हारा ब्रुष चल गया हाथ लगा दो ब्रुष मत लेना तो फैमिली फाइनली हम लोगों की शादी जो है बहुत अच्छे तरीके से पूरी तरह से संपन्न हो गई है और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। और अभी पूरी शादी होने के बाद हम लोग घर जाते हैं, उसके बाद हम लोगों की विदाई भी होगी। तो मैंने अभी तक का सारे व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हमारी विदाई वाला व्लॉग। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, और मैं अब आप लोगों को मिलूँगी विदाई वाले व्लॉग के साथ। सो बाय बाय।